नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्र अज भारत रत्न डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन कॉम्पलैक्स विखे डॉक्टर अंबेडकर नूं श्रद्धांजलि भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वन पाओ एजेंडे तो लोगों सुचेत रहने लिए कहा। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस के एजेंडे के उल्ट सबका साथ सबका विकास के मंत्र न चल रही है। साइबर सेफ इंडिया का निर्माण गृह मंत्रालय दियां प्रमुख तरजीहां विचों एक। आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्नी फरिश के तहत नवंबर महीने दौरान 520 बच्चों परिवारों नाल मुड़ मिलवाया। तमिलनाडु में चक्रवात मिचोंग ने मचाई भारी तबाही। रेलां, हवाई उड़ाना ते आम जनजीवन होया प्रभावित। हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्र अज भारत रत्न डॉक्टर भीम राव अंबेडकर उन्हां दे 68वें महापरि निर्वाण दिवस ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। इस मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, संसद मैंबर अते होर पतवंतियां ने संसद भवन कॉम्पलैक्स विखे डॉक्टर भीम राव अंबेडकर नूं श्रद्धा दे फुल भेंट कीते। इस तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीम राव अंबेडकर उन्हां दे प्री निर्वाण दिवस ते श्रद्धांजलि भेंट करदिआं सोशल मीडिया पोस्ट ते लिखिआ कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान दे निर्माता होण दे नाल नाल समाजिक सद्भावना दे अमर समर्थक सन, जिन्हां ने अपना जीवन शोषितां अते वंचितां दे कल्याण लई समर्पित कीता। समाजिक न्याय अते अधिकारता विभाग की तरफों डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन संसद भवन कॉम्पलैक्स विखे महापरि निर्वाण दिवस प्रोग्राम करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वन पाओ एजेंडे का दोष लगाउंदिआं कहा कि लोगों को कांग्रेस की इस नीति तो सुचेत रहना चाहिए है। छत्तीसगढ़, राजस्थान अते मध्य प्रदेश में चोणां च हार लई कांग्रेस के तर्क उत्ते सोशल मीडिया पोस्ट नूं सांझा करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपने हंकार, झूठ, निराशावाद अते अज्ञानता तो खुश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नूं अजे भी कई होर सदमियां नूं सहण करन लई तैयार रहना होवेगा। इस दौरान केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच देश नूं वंडन वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जातिवाद नूं फैलाउंदी है, जबकि मोदी सरकार भारत नूं एकजुट रखण दी नीति ते चलदी है। उन्होंने अज एक पत्रकार कॉन्फ्रेंस दौरान कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास दे मंतव नाल चल रही है। उनका बयान कि तेलंगाना के डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है, ये राहुल गांधी की मोहर इस बयान पर लगी है क्या सर? सोनिया गांधी जी की मोहर लगी है क्या? दूसरा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का एक बार नहीं बार बार बयान आना डीएमके के नेताओं के सनातन धर्म, हिंदुओं और हिंदी और उत्तर भारत के खिलाफ बयान आना, ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने का कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही। अमरीकी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत 2030 तक दुनिया की तीजी सब तो वड्डी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, पर भारत लई वड्डी चुनौती इस विशाल मौके का फायदा उठाना अते अगला वड्डा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा। इस अमरीकी एजेंसी नूं उम्मीद है कि भारत अगले 3 सालों विच सब तो तेजी नाल विकास करने वाली वड्डी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिस विच जीडीपी विकास दर मौजूदा वित्तीय साल विच अनुमान 6.4% तो वध के 2026 तक
7 फीसद हो जाएगी। मार्च 2023 नूं खत्म होने वाले वित्तीय साल 2022-23 भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.2% तक वधन की उम्मीद है। भारत की GDP जून तिमाही में 7.8% और सितंबर तिमाही में 7.6% का वाधा होया है। एक साइबर सेफ इंडिया का निर्माण गृह मंत्रालय दी प्रमुख तरजीहां विचों एक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगवाई हेठ गृह मंत्रालय साइबर अपराध नूं रोकण अते लोकां नूं साइबर धमकियां देण वालियां तों बचाउण लई वचनबद्ध है। गृह मंत्रालय ने नागरिकां नूं इह वी सलाह दित्ती है कि उह अजे धोखेबाजां द्वारा वरते जाण वाले फोन नंबरां ते सोशल मीडिया हैंडलां दी तुरंत ncrp.cybercrime.government.in नूं रिपोर्ट करन। भारतीय साइबर क्राइम कोआर्डीनेशन सेंटर देश में साइबर अपराध नाल तालमेल अते व्यापक तरीके नाल नजिठण लई गृह मंत्रालय की पहल है। सूचना टैक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत अपनी शक्ति की वरतों करते हुए इलैक्ट्रॉनिक्स अते सूचना टैक्नोलॉजी मंत्रालय ने इन वैबसाइटा नूं ब्लॉक कर दिता है। यह वैबसाइटा जो कि काम आधारित संगठित गैर कानूनी निवेश नाल संबंधित आर्थिक अपराधा की सहूलत देंदियां हन नूं विदेशी अदाकारों द्वारा संचालित किए जाने बारे पता लगा है अते उह डिजिटल इश्तिहार चैट मैसेंजर अते खच्चर किराए के खातों की वरतों कर रहे सन। RPF यानी रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नन्ने फरिश्ते तहत नवंबर 2023 दौरान 520 बच्चों उन्हां दे परिवारां नाल दोबारा मिलाउण च अहम भूमिका निभाई है अते उन्हां दी सुरक्षित वापसी नूं यकीनी बनाउण लई अंथक मेहनत कीती है। रेलवे मंत्रालय वल्लों जारी प्रेस बयान दे विच दस्सिया गया है कि भारतीय रेलवे दीआं वख-वख पोस्टां ते RPF दीआं मनुखी तस्करी रोकू यूनिटां ने 35 व्यक्तियों नूं तस्करां कोलों छुड़वाया है। इस दौरान RPF ने 91 व्यक्तियों नूं गिरफ्तार कीता ते 3.69 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ बरामद किए। RPF की चौकसी अते कार्रवाई राही जीवन रक्षा मुहिम तहत चलती रेलगड्डी तो उतरन जां चढ़न समय गलती नाल डिगन वाले 224 व्यक्तियों की जान बचाई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा तहत मोहाली दे माजरी दे पिंड रतवाड़ा ते पैनपुर विखे केंद्र सरकार वल्लों कमजोर वर्गां लई चलाईयां जा रहीयां भलाई स्कीमां बारे जाणू करवाउण अते लाभपात्रियां नूं सेवावां देण लई वख-वख विभागां वल्लों कैंप लगाया गया जिसका लोग लाभ लै रहे ने। मेरी कहानी मेरी जुबानी हेठ लाभ लै रहे लाभपात्रियां ने मोदी सरकार का धन्नवाद भी किया। ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ? 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ। ਕਿੰਨੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ? 3 ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲਣਾ? ਕੀ ਫਰਕ? ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ। इसी तरह रतवाड़ा दी परमिंदर कौर ते नरिंदर कौर ने कोरोना तो लैके हुण तक मुफ्त कणक देण अते डाक विभाग दी दुर्घटना बीमा योजना बारे जानकारी लई अते मोदी सरकार दा धन्नवाद कीता। नरिंदर कौर डाकखाने विच मैं FD कराई है, बहुत वधिया चल रही है। खुला खाता भी कराया होया, जद मर्जी कढ़ा लो जद मर्जी जमा करा दो, सानू इहदे विच बचत है। मोदी ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਿੰਡ ਪੈਂਤਪੁਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜੋ ਵੈਨ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਮਡਿਊਲ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦਾ ਆਰਬਿਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਮਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਈਂਧਨ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਪ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਮਿਚੋਂਗ ਨੇ ਚੇਨਈ, ਤਿਰਵਲੂਰ, ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਅਤੇ ਚਿੰਗਲ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ, NDRF ਅਤੇ SDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ
ठप हो गई है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन उन्होंने कैबिनेट मंत्री ते कुछ प्रशासनिक अधिकारी हड़ प्रभावित खेतरां दा दौरा कर रहे ने अते राहत बचाव कार्यां दा लगातार जायजा लै रहे ने। चक्रवात कारण पिछले दो दिनों तो रेल अते हवाई सेवावां प्रभावित हुईयां ने। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात तूफान दे शांत होण दी संभावना है अते अज एक घट दबाव वाले खेतरां विच पहुंच सकदा है। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक आर एन यू डी डी के जलंधर दे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते वी देख सकदे ने। बुलेटिन दे अखीर विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर। राष्ट्र अज भारत रत्न डॉक्टर भीम राव अंबेडकर दा 68वां महापरिनिर्वाण दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन कॉम्पलैक्स विखे डॉक्टर अंबेडकर नूं श्रद्धांजलि भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वन पाओ एजेंडे तो लोगों को सुचेत रहने लिए कहा। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस के एजेंडे के उल्ट सबका साथ सबका विकास के मंत्र नाल चल रही है। साइबर सेफ इंडिया का निर्माण गृह मंत्रालय दियां प्रमुख तरजीहां विचों एक। आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्नी फर्श के तहत नवंबर महीने दौरान 520 बच्चों परिवारों नाल मुड़ मिलवाया। तमिलनाडु में चक्रवात मिचोंग ने मचाई भारी तबाही, रेलां हवाई उड़ाना ते आम जनजीवन होया प्रभावित। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। दिओ आ गया, नमस्कार।